दोस्तों आप आज बोल रहे होंगे कि पागल हो गया है रोहित, लेकिन दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है कि जिसे आप भी सुनेंगे तो जहां पर आप अभी खड़े हैं वहीं अपना डांस चालू कर देंगे, क्योंकि ये खबर बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त से जुड़ी है। क्योंकि दोस्तों अधीरा जैसे ही विलन के किरदार में वापसी कर रहे हैं संजय दत्त, और ये जो मैंने शुरुआत में आपको खलनायक का एक सॉन्ग गुनगुनाया है वो संजय दत्त पर ही शूट करता है, क्योंकि ये तो आप जानते ही है कि संजय दत्त बॉलीवुड के ऐसे एक्टर है जिनका नाम सुनते ही शरीर में एक गर्मी सी आ जाती है। लेकिन हमारी ये सोच पर कुछ टाइम के लिए फर्क पड़ा था जब बाबा की फिल्में थिएटर्स में नहीं आ पा रही थी, लेकिन जब बाबा ने इंडस्ट्री में फिर से कमबैक किया तो तबाही मचा दी, और एक बार फिर से बाबा तबाही मचाने के लिए तैयार है। 2022 की फिल्म केजीएफ 2 में अधीरा और बीच में थलापति विजय की बिग बजट फिल्म लियो को शाइन करने की खबर, लेकिन अब साउथ सुपरस्टार प्रभास की एक मूवी में करने जा रहे हैं एक रोल से संजय दत्त का फैन क्लब खुशी के मारे झूम रहा है। जी हां दोस्तों, खबर है कि संजय दत्त ने प्रभास की एक फिल्म को शाइन किया है। प्रभास के साथ वाली इस फिल्म में संजय दत्त के किरदार का खुलासा भी हो चुका है। डायरेक्टर मारुति की ये अनटाइटल फिल्म सीक्रेट से भरी है। दोस्तों वही आपको बता दें कि मेकर्स ने इस फिल्म के 3 पार्ट की शूटिंग प्रभास और मालविका मोहनन के साथ पूरी कर चुके हैं। इस मूवी की शूटिंग अक्टूबर 2022 में शुरू हो गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में संजय हीरो के दादा का रोल प्ले करने वाले हैं। अब इन खबरों की माने तो संजू बाबा अब दादा का रोल निभाने के बाद सीनियर किरदार में आ जाएंगे। कथित तौर पर वह मारुति की फिल्म में प्रभास के दादा की भूमिका निभाएंगे। संजय दत्त और प्रभास मार्च के अंत में अपने सीन्स की शूटिंग करेंगे। दोस्तों वही मैं बात करूँ फिल्म की, तो फिल्म के मेकर्स ने बिना कोई खुलासा किए प्रभास के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। इतना ही नहीं, अक्टूबर में चुपचाप फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म कुछ हफ्ते पहले तब चर्चा में आई थी जब सेट से एक तस्वीर वायरल हुई थी। टीम के किसी व्यक्ति ने फिल्म के सेट प्रभास और निर्देशक की एक तस्वीर खींची और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद फैंस ने इसे वायरल कर दिया। लीक हुई तस्वीरों में प्रभास और निर्देशक मारुति एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, और दोस्तों वही सूत्रों की माने तो हेरा फेरी 3 में भी संजू बाबा नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस जानकारी में भी अभी अटकलें लगी हैं कि क्या ये सच है या नहीं। दोस्तों आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतने बड़े दिग्गज अभिनेता संजय दत्त की एक्टिंग को किस रूप में देखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी तमाम नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।